हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और मीम वीडियो में। एंड आज हम लोग सोने वाले हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सोने वाले हैं। मेरे को लिटरली अभी भी नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है भगवान जी ने मेरे को स्लीप मोड पे लगा दिया है। दिन भर नींद आती रहती है। ये बेड दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे पूरे दिन पड़ा रहता हूँ मैं। बस ये वीडियो मम्मी ने देख रही हूँ। मैं एक्चुअली गेट बंद कर लेता हूँ। ऐसा मम्मी को लगता है कि बेटा ऐसा काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा। लेकिन तुम्हें पता है क्या कर रहा होता हूँ? अश्लील है ये लौंडा। सो रहा होता हूँ। ऑब्वियसली गंदा मत सोचो तुम, ठीक है? गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता है। गर्लफ्रेंड से बातें नहीं करता मैं, ठीक है? ही नहीं गर्लफ्रेंड, कैसे बातें करूंगा भाई? मैं रोज आऊंगा एक दिन। मेरी क्या, तुम्हारी भी नहीं है गर्लफ्रेंड? साले तू। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके ये तो साला सकल से ही चोर लग रहा है। एक काम करती हूँ, अपनी साइकिल में ताला लगा देती हूँ। सकल से चोर कैसे लगता है यार? मैं भी लगता हूँ क्या और लगा लो लॉक है। शकल से चोर लगता है भाई, चोर नहीं डकैत था वो। दी टैलेंटेड। अरे पिताजी पर निबंध सुनाओ। अरे बोलना क्या हुआ? अरे मैंने बाप भी नहीं सच्ची दोस्त भी निबंध तैयार किया है। एक काम कर, जो मुंह में आता है रपर अप बोल दे, बस दोस्त की जगह बाप लगा दे। साहिल क्या हुआ सुनाओ। मेरे पिताजी, जीवन में मेरे बहुत सारे बाप है। मेरी माँ की बदौलत मैं बाप जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। मेरे मोहल्ले में हर घर छोड़कर मेरा एक बाप है। माँ कहती है कि अगर किसी को बाप बनाना हो तो उम्र नहीं देखते, तो इसलिए हमारी सोसाइटी का वॉचमैन, हमारा दूध वाला, कचरे वाला, अखबार वाला सभी मेरे बाप है। ये क्या था? ओह शिट भाई, अच्छी बात है मैंने बचपन में ऐसा कुछ नहीं किया। भाई बट ये क्या था? अरे बेटा तेरे पीछे कौन है? कोई भी तो नहीं है मम्मी, डरा क्यों रही हो? होगा भी कैसे, सब आगे जो निकल गए। भाई ऐसे सबकी मम्मी ताने मारती है भाई, तू अकेला नहीं है दोस्त। अरे भाई एक हेल्प चाहिए थी, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है और मैं फ्री नहीं हूँ। भाई ये तीन ही काम होते हैं यार दोस्त को जब भी कॉल करता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पता ही यार मैं बता भी कह रहा हूँ। तुम्हें भी कॉल आता है, यही तीन में से एक काम रहता है। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। भाई मच्छर मौत से खेल रहा है। मी टू माय फ्रेंड। तू यार जब देखो जब रिले भेजत रे तो और का कराने लगे, तुम पैसा भेज दे। जितनी तूने रील भेजी है उतने अगर पैसा भेज तो करोड़पति बन जाएगा। भाई मैं अपने हर एक दोस्त को यही बोलना चाहूंगा, प्लीज एक रील का एक पैसा रुपया पैसे नहीं, पता लगा सारे दूसरे से पैसे भेजने लग गए। आदत से मजबूर। भाई यार ये झूठ भी नहीं है, बता रहा हूँ ये सच है। लड़कों का तो लड़कियों को देख के ज्यादा मूड चेंज हो जाता है। सुहेल एक बात बताओ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो मरीज को बेहोश क्यों कर देते हैं? वो इसलिए बेहोश करते हैं ताकि मरीज ऑपरेशन करना ना सीख जा। क्या तो सही रहे हो, तो बहुत चलाक हो ये डॉक्टर। और क्या, अगर वो सीख जाएगा तो वो अपने घर वालों को खुद ही कर देगा, फिर डॉक्टर के पास आ गई। भाई देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा देखो शॉर्ट तो नहीं हो बट क्या पता। डबल मीनिंग फ्रेंड। कौन सा फ्लोर है? मुझे बता देता मैं दबा देती। मुझे दबाना पसंद है। ये किसने डाला ये वाला मीम, मेरे को बताओ। मेरे को उसके सर पे तो मारने हैं, मैं बिल्कुल गंदा नहीं सोच रहा हूँ। मेरे को पता भी नहीं है किस बारे में बात हो रही है। <थी। laughs>
एग्जाम की तैयारी। भाई काश ऐसा कोई तरीका होता भाई, मेरा बचपन सुकून से निकलता और रिया भी मेरे से इंप्रेस हो जाती। भाई देखो रिया कोई नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। फनी करने के लिए बोला है मैंने। तुम लोग सोचने लग जाओ रिया कोई ऐसा लड़की है। बकवास बंद करो और बोलो पैसों का कुछ बातचीत की है कि नहीं। पैसों की डील तो पहले दिन ही हो गई थी, 12,000 दिए मैंने सोहेल भाई को। तुम पैसे दे के ये फिल्म कर रहे हो? क्या करे, लड़के पैसे ही दे सकते है। भाई मीम ऐड किसने किया मेरे को बताओ। बस अरे बेटा मैं तो बस समझा रहा था, तुम रो क्यों रहे हो? चलो हंस दो, मेरी प्यारी बेटी हो ना, हंस दो हंस दो हंस दो। देयर इज मी हू ऑलरेडी बीटन। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। भाई सही में यार, हमें तो पता नहीं क्या समझ लिया यार, कोई भी आगे कूट देता है। मम्मी मार रही है, मम्मी ने मार लिया, फिर पापा आए, पापा ने पूछा क्या हो गया, फिर पापा ने भी मार लिया, फिर भैया आए, भैया ने पूछा क्या हो गया, फिर भैया ने भी हाथ सेक लिए। हमें तो सब बजा के जा रहे हैं, लड़के है ना इसलिए। मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, ऐसे ही होता है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आजकल के माँ बाप बच्चे को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट देते हैं। और एक हमारा समय था जब पीटने के बाद चुप कराने के लिए दोबारा पीट देते थे। भाई सही है यार, अभी चुप हो जा नहीं तो एक और मार दूंगी, ऐसे बोलती थी मेरी मम्मी। भाई किससे नहीं पिटाऊ मैं, तुम बताओ बस। वाइपर, चप्पल, जूते, हाथ, पैर, घर में जितनी भी चीज, झाड़ू। भाई सबसे पिटा हुआ है बचपन में, ज्यादा ही दुख था यार। ऊपर वाले प्लीज प्लीज ऊपर से 4-5 crore फेंक दे, नहीं हो रहा गुजारा यहाँ। भाई मेरे को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ऊपर वाले 10 crore प्लीज। कुछ तरीका है भीख मांगने का? देखो आएंगे, ठीक है, भगवान जी बहुत ऊपर है तो वहाँ से गिरने में भी टाइम लगता है, जस्ट वेट करो। ओए पूरा दिन बेशर्मों की तरह फोन चलाता रहता है, निकल जा इस घर से। मैं क्यों जाऊं, ये तो मेरे पापा का घर है। भाई रिलेटेबल है भाई, तुम बताओ बस, तुम्हें सबने कभी ना भी ये बात बोली है? ओह शिट भाई, मैंने तो बोली यार, अपना अपना एटीट्यूड है भाई। नहीं उसने कहा था यार, ऐसा थोड़ी होता है। मैडम पैसे गिर गए। तो फिर वही थोड़ा होता है। भैया आपने मेरे पैसे देखे? भाई ऐसी लड़कियों से ऐसा ही होना चाहिए भाई, बचपन में मेरे में भी बहुत एटीट्यूड था, मैं ना लड़कियों को देख के ऐसे करता था भाई, जेन्युइनली मैं और मेरा दोस्त ऐसे लड़कियों के वॉशरूम के बाहर खड़े हो जाते थे। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। देखो उसी के ऐसा चिपक के हमारा भी था और जो भी निकलता था उसको ऐसा कर देते थे। इसीलिए गर्लफ्रेंड नहीं बनी बस, इसी बात का दुख है। ये तो हम लड़कों के साथ अन्याय है। क्या हुआ भाई, इतना क्यों सोच रहे हो? यार ये सोच रहा हूँ कि सारे साबुनों पे लड़कियों की फोटोज हैं। हम लड़के नहाते नहीं है क्या? बोला ना भाई हम लड़के हैं इसलिए कोई हमें अच्छा मानता ही नहीं है। इन स्कूल प्रेयर्स गर्ल्स। भाई ऐसे ही कर रहे होते थे यार हम लोग, कोई तो नीचे से चिल्ला रहा है मुंह पे ऐसा हाथ रख के। 5 मिनट है तुम दोनों के पास, फिर मैं सुनूंगा। ओके सर। पहला ट्रू बाकी तीन फॉल्स। टाइम अप। फॉल्स। दूसरा फॉल्स। तीसरा फॉल्स। पहला ट्रू। वेरी गुड, पहला ट्रू बाकी तीन फॉल्स। व्हाट इज एनवायरनमेंट? ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया।
यार बचपन की याद आ गई भाई, तुम लोग तो अभी भी बचपन में ही हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी शादी भी होगी, मेरे चार बच्चे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, सही में नहीं हो गया। मैं जब भी स्कूल में टेस्ट के डर से छुट्टी करता था तो अगले दिन जब मैं स्कूल जाता था तो दोस्त कहते थे कल टेस्ट नहीं हुआ। जग घूमया थारे भाई, मैं यूं ये लड़का भाई, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है, कुछ तो अपशगुन है मेरे साथ। निकाल दे जो अभी कुछ है, निकाल जल्दी, निकाल लो भाई साहब, निकाल लो, निकाल लो, रुक जाओ कुछ कह रहे की बंद निकाल निकाल लो भाई साहब, काले हो गए पैसा फोन ये दे देला भाई, एक बार वो जीत जाएगा, उसने सबसे बड़ी निकाल ली। अगर किसी घर में दूध गिरने पे भी अगर दूध गिर कर फैल गया, लड़ाई नहीं हो रही, तो 100% वो दूध मम्मी से गिरा भाई, सही में भाई। और हो सकता है अगर तुम आसपास खड़े हो तो गलती मम्मी की भी ना हो, गलती तुम्हारी निकल के आ जाए। ये घड़ा यहाँ पे इसलिए गिर गया भाई, मेरे साथ तो हुआ ऐसा, इसीलिए तुम भी सतर्क रहे। जब माँ मोबाइल रखने को कहे तो रख देना चाहिए, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत के अलावा चप्पल भी होती है। भाई सही है भाई। अरे हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक ही समझदार व्यक्ति है। बराबर है बापू जी, तो मैं कह रहा था। ये चुप रहे ना बाबू चाट, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भाई किसी ने यहाँ पे कमेंट भी किया, ये बुड्ढा मेरे पीछे बहुत बोलता है। अबे ओके, तो आई गेस आज के लिए काफी ज्यादा हो गया है। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि ऑब्वियसली लगी होगी, तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छी तो लगी होगी यार। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और देखो अगर तुम्हारा इतने में भी मन नहीं भर रहा, तुम्हें ऐसा बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर, तो तुम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक होगा, वहां पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। सो यार दैट्स इट, आगे हम लोग मिलेंगे और भी शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा।